इस लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। ऐसा शो है जिसपे रोज वीडियोस आती है और अब तो आपको इस बात का यकीन कर लेना चाहिए क्योंकि आज है ईद और ईद वाले दिन भी मैं बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर यार आप मुझे सब्सक्रिप्शन कैसे नहीं दे रहे? प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माई साइड। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप हमें यूट्यूब के साथ साथ बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो करें इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी खोल के हमें दिए गए लिंक्स पे फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, ठीक है? आप वो देख के आराम से जो है जिस कहते हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लिकेबल टाइम चैप्टर्स हैं, यू कैन ईजिली वॉच द वीडियो। उसी के साथ साथ ईद मुबारक फ्रॉम मी, फ्रॉम मिस्टर तारिक, the founder of Desi TV USA, from the entire staff, from the entire family of Desi TV USA, to all of you beautiful people. I mean, we're so glad to have you as our subscribers, as our followers who follow us, हमारा content देखते हैं, हमें देखते हैं on a daily basis, and we really feel appreciated जब हम देखते हैं कि सिर्फ हमें देखा जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन और प्यारी खूबसूरत फीलिंग क्या हो सकती है? थैंक यू सो मच। और ईद का तोहफा आप यही दे सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज़ एंड एक्सेट्रा। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आज आईपीएल का बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, ठीक है? गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 197 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट्स, ठीक है, फॉर गुजरात, ठीक है? अब यहाँ पे 3 विकेट्स का नुकसान आपको क्लियरली एक फैक्ट शो करता है, और वो ये है कि गुजरात की तरफ से जो बॉलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हुई और टारगेट भी अच्छा खासा राजस्थान ने स्कोर कर लिया। यहाँ पे अगर मैं आपको राजस्थान की तरफ से टॉप स्कोरर्स बताऊँ तो यशस्वी जायसवाल द ओपनर स्कोर्ड ब्रिलियंट 24 ऑफ ऑनली 19 बॉल्स। संजू सैमसन द कैप्टन स्कोर्ड 68 ऑफ ऑनली 38 बॉल्स। ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 150+ के स्ट्राइक रेट के साथ सबने बैटिंग की। उसके अलावा पराग ने जो है वो 76 ऑफ ओनली 48 बॉल्स, यानी कि यार 48 बॉल्स, सिर्फ 48 बॉल्स पे उस बंदे ने 76 दे मारा, जिसकी वजह से ये 3 वो बड़े बड़े कैमियोज थे जिनकी बदौलत राजस्थान वॉज एबल टू पुट अप अ गुड टारगेट अगेंस्ट गुजरात के बैट्समैन। अब यहाँ पे बात करें गुजरात टाइटंस की, तो वन दे केम ऑन टू चेज, मुझे ये लगा कि गुजरात के लिए शायद ये चेज उस तरह से इजी ना रहे, बट लास्ट बॉल तक ये गेम गया, ठीक है? राजस्थान के बॉलर्स, गुजरात के बैटर्स इस गेम को लास्ट बॉल तक लेकर गए एंड दे स्कोर्ड 199 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। इस तरह से वो ये गेम जीत गए। यहाँ पे सही सुदर्शन उनके ओपनर जो है उन्होंने 35 ऑफ 29 बॉल्स खेला। शुभमन गिल ने 72 ऑफ ऑनली 44 बॉल्स। राशिद खान ने 24 ऑफ ऑनली 11 बॉल्स स्कोर किया, और इस तरह से गुजरात वाज एबल टू पुट अप अ गुड स्कोर। मैं पर्सनली बहुत खुश हुई कि जिस तरह से एवरीबडी वाज फाइटिंग टू विन दिस मैच, क्योंकि गुजरात जिस तरह से है उनकी कैंपेन उस तरह से जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं कि अनडिफीटेड टीम होती थी कभी पिछले 2 सीजन्स में ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से गुजरात की कैंपेन जा रही है अंडर द कैप्टनसी ऑफ शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या उनके साथ में है। बाय द वे दे लुक सो कॉन्फिडेंट ऑन फील्ड, वो चीज़ जो है वो बहुत अप्रिशिएबल है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ होने वाली है। 5 मैच T20 सीरीज़ है, जिसके 3 मैचेस रावलपिंडी में स्केड्यूल किए गए हैं और 2 मैचेस लाहौर में है। इसका जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। 22 रुकनी स्क्वाड है इसमें, जिसमें जो मेन मेंबर्स हैं वो 17 है और बाकी के जो हैं वो नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स में उनका नाम है। अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्वाड पढ़ के बता दूँ तो बाबर आजम द कैप्टन, अब्रार अहमद द स्पिनर, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, आमिर मोहम्मद आमिर, इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान, जमान खान। नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व्स में वीव गॉट हसीबुल्ला, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, फरहान साहिबजादा, फरहान, सलमान अली आगा। यहाँ पे अगर आई टॉक अबाउट के वैसे तो ये स्क्वाड बड़ा ही बैलेंस्ड नज़र आ रहा है, चाहे आप स्पिन के हवाले से बात कर लो, चाहे पेस फैक्ट्री के हवाले से बात कर लो, चाहे ऑलराउंडर हिटर्स के हवाले से बात कर लो। ओपनर्स इसमें कंप्लीट है, फिनिशर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर हिटर्स भी हैं। बट अगैन व्हेन यू टॉक अबाउट इनजस्टिस, पाकिस्तान क्रिकेट है और इनजस्टिस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार फिर से दो प्लेयर्स को जो है वो इनजस्टिस का निशाना बनाया। मोहम्मद हारिस और वसीम जूनियर को सेलेक्ट ना करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत गलती की है। चले वसीम जूनियर को तो फिर रिजर्व्स में डाल दिया, बट मोहम्मद हारिस का क्या कसूर था? मतलब उस बंदे को आपने जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था तो उसमें से 5 गेम्स में उसको सिर्फ और सिर्फ 1 गेम में चांस दिया, ठीक है। उसके अलावा आपका जो अभी रिसेंटली दौरा हुआ है न्यूजीलैंड का, उसमें उसको चांस ही नहीं मिला माशाल्लाह से। डीपीएल खेलने के लिए उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी नहीं दिया, ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग में उसको चांस ही नहीं मिला कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे खेले, ठीक है। हालांकि ही इज़ अ ग्रेट T20 बैट्समैन, प्रॉपर T20 का बैट्समैन होता है, उसके बावजूद उसको मौका नहीं मिला। इसका मतलब कि वाकई कुछ, जैसे कहते हैं ना, लॉबी में कुछ गड़बड़ चल रही है, देयर समथिंग स्पूकी गोइंग, और वो हो रहा है। मतलब आप ये देखो कि जब साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच था, पाकिस्तान वाज स्ट्रगलिंग एट 1 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, तब मोहम्मद हारिस वाज दैट 1 यंग प्लेयर जिसने आके आपकी इज्जत बचाई थी, जिसने आके इतना आपको काबिल किया था दैट यू वर एबल टू विन द मैच, ठीक है। मतलब जब आपके सीनियर प्लेयर जिनको हर तरह के हवाले से जो है रिस्पेक्ट मिलती है, जब वो कुछ नहीं कर सके, तो मोहम्मद हारिस वाज दैट 1 पर्टिकुलर प्लेयर जिसने आपको परफॉर्म करके दिया, और आपने उसी को स्क्वाड में नहीं रखा। आई मीन वेयर ऑन अर्थ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन्स, कहीं पे भी नहीं होता ऐसा यार। मतलब क्यों किया है आपने इसका? अगर मैं आपको स्टैट्स उनके बताऊँ, सो 146 का स्ट्राइक रेट है उनका पावर प्ले में, T20 क्रिकेट में बात कर रही हूँ। 157 का स्ट्राइक रेट है उनका पेस के अगेंस्ट, 213 का स्ट्राइक रेट है उनका अगेंस्ट 140+ kph की पेस, 168 का स्ट्राइक रेट है वर्सेस लेग स्पिन। और आपको ये बताते चलूँ कि जब साउथ अफ्रीका के साथ ये मैच था ना, तब नॉटज और रबादा, उनको जिस तरह से मोहम्मद हारिस ने कूटा था, दैट वॉज अनबिलीवेबल। और फिर आप कहते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत प्योर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत इतना तो कुछ होता ही नहीं है। अगेन बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होता है प्लेयर्स के साथ, बहुत ज़्यादा। हारिस रॉफ को नहीं पिकअप किया गया, ठीक है, उनकी समझ आती है रीज़न, एक तो वो इंजर्ड भी हैं, दूसरा उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से आ नहीं रही, ठीक है, कि उनको उस तरह से कंसिस्टेंटली मौका दिया जाए, उनको दिया है जब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग विद सिर्फ यंग पैनल, और जिनको प्रॉपर रोटेशन पॉलिसी के को यूटिलाइज करते हुए जो है उनको चांस दिया जाएगा, बट नॉट गोइंग विद मोहम्मद हारिस इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़, दैट इज़ समथिंग इन अंडरस्टैंडेबल, जो कि मेरी समझ से तो बाहर है। आपको क्या लगता है कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा वसीम जूनियर, उसका क्या कसूर है? जस्ट बिकॉज दैट ही इज़ नॉट गॉट दैट स्ट्रॉन्ग PR गेम, उसके पास उस तरह की चीज़ें नहीं है और उसके उस तरह से फ़ैन बेस नहीं है जिस तरह के बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स के हैं, तो क्या इसका मतलब ये कि आप उसके साथ हर जाति होने दे दोगे? नहीं, यू शुड रन अ कैंपेन फॉर हिम, ठीक है, उसके लिए कैंपेन रन करो, उसकी सपोर्ट में बोलो, ताकि उसके साथ जाति ना हो। 2021 के वर्ल्ड कप में आपने उसको चांस नहीं दिया, 2022 के वर्ल्ड कप में, ठीक है, आपने उसको प्रॉपर चांसेस नहीं दिए, 2023 के वर्ल्ड कप में, वो भी तब जब आपका कोई प्लेयर उस तरह से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तब आप उसको लेकर आए, और जब जब इस प्लेयर को चांस मिलता है ही प्रूव्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट ऑलराउंडर, ठीक है, जो आपको बॉलिंग में भी परफॉर्म करके देगा, फील्डिंग में भी परफॉर्म करके देगा और बैटिंग में भी परफॉर्म करके देगा। बट इट्स नाउ अप टू यू कि आप कैसे उसको यूटिलाइज़ करते, लेकिन आपको नहीं आया उसको यूटिलाइज़ करना। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यू नो आपके मुल्क से प्लेयर्स जाए ना, ठीक है, आपके मुल्क को छोड़ के वो बाकी टीम्स के लिए ना खेलें। उस्मान खान को आप लेकर तो आए हैं, अब अल्लाह करे वो परफॉर्म कर ले, ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उसने अपने ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे बंद किए। अब अगर बेचारे को उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट उस पर भरोसा नहीं करती, 1-2 रफ़ गेम्स के बाद उसको निकाल देती है, तो सलाम है भाई, सलाम है उन सब लोगों पे जो पाकिस्तान क्रिकेट को डिफेंड करते हैं। मैं कभी भी अगेंस्ट किसी के होके बात नहीं करती, बट आई ओनली टॉक अबाउट फैक्ट्स। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये फैक्ट है, मैं उसको हाईलाइट करके ज़रूर उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक ऐसा ज़माना जब नोबडी टॉक्स अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है, इन द वर्ल्ड, आई टॉक अबाउट फैक्ट्स। और फैक्ट्स, एक जर्नलिस्ट का काम होता है फैक्चुअल बात करना, जो हम करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। दिस इज़ अलाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.